फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, सम गच्छ त्वम समद्व त्वम संवो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। समगच्छ द्वम यानी सभी साथ मिलकर चले, संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और सम्मो मनानसि जानताम यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था, तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है, और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटीमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जयघोष है। आज भारत इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में 4थे नंबर पर है। बीते 7 वर्षों में भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, और अब यह हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है। फ्रेंड्स, विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन भी दिए हैं। सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। क्लाइमेट एडेप्शन के लिए हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। ये करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए एक संवेदनशील
और महत्वपूर्ण पहल है। फ्रेंड्स, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में, वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफ स्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये ऐसे विषय हैं जहां हम में से प्रत्येक को हर रोज कॉन्शियस चॉइस करनी होगी। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। और मैं इस आर्थिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, बीती शताब्दी के अनुभवों के आधार पर हर कसौटी पर खड़ा उतरने का मूवमेंट मानता हूं। स्व से समझने का यही रास्ता है, अहम से वयम के कल्याण का यही रास्ता है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वही नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनेंस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द
$1 trillion का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। उचित न्याय तो ये होगा कि जो देश क्लाइमेट फाइनेंस पर किए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, उन पर दबाव बने। फ्रेंड्स, आज भारत क्लाइमेट के विषय पर बहुत ही साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा भी समझता है, उन्हें साझा करता है और उनकी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा। कई विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडरा रहा है, एक बड़ा संकट है। हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कदम उठाने ही होंगे, यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंगिकता भी सिद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि ग्लासगो में लिए गए निर्णय हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएंगे और सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार देंगे। अध्यक्ष जी, मैंने समय अधिक लिया, आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन विकासशील देशों की आवाज उठाना ये मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, इसलिए मैंने उस पर भी बल दिया है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।